स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी वे बेस्ड एक केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि हमने यूलैक्स सैंपल पर में से लिया है पेपर नंबर 4 में से। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए शूटिंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज इन ए स्कूल टू नो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट ए हिट्स ए टारगेट 4 टाइम्स इन ए 5 शॉट्स, मतलब 5 में से वो 4 बार तो हिट कर देता है टारगेट को। बी करता है 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड सी 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाई ए बी एंड सी इंडिविजुअली। तो देखो ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है भाई। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हिटिंग द टारगेट ए इंडिविजुअली, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 टाइम्स इन 5 शॉट दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है जी, 4/5। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इन 4 मतलब 3/4। अब प्रोबेबिलिटी सी हो जाएगा 2 टाइम्स इन 3 मतलब 2/3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ए बी सी फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड में इसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑल द थ्री हिट द टारगेट, मतलब तीनों ही हिट करें। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों हो, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहाँ पर आएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3, तो कितना आ गया 2/5। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 2/5, ठीक है जी। अब थर्ड में इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट नॉन ऑफ देम हिट द टारगेट, मतलब कोई भी हिट ना करे। तो कोई भी हिट नहीं करेगा टारगेट को, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी सी डैश। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी और 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी सी। 1 माइनस का 4/5, 1 माइनस का 3/4 और 1 माइनस का 2/3। तो आ जाएगा 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है जी। अब थर्ड के ऑप्शन वाला पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए एंड बी हिट द टारगेट बट सी डिड नॉट हिट, मतलब और वाला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ए और बी तो हिट करे मतलब इंटरसेक्शन भी, जो नहीं हिट कर रहा उस पर डैश आ जाएगा, तो सी पे डैश आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सी। तो प्रोबेबिलिटी ए आएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू में 1 माइनस का 2/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, आ गया 3/5 इंटू में 1/3। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/5, ठीक है जी। ये इसका लास्ट पार्ट का आंसर हो गया।